नमस्कार, फर्स्ट रैंक यूट्यूब चैनल पर मैं बीएल रेवार्ड आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फर्स्ट रैंक यूट्यूब चैनल द्वारा समसामयिकी पर शुरू की गई सीरीज में आज एक और नया वीडियो। सबसे पहले कल जो आपको हल करने के लिए प्रश्न दिया गया था उस पर बात करते हैं। नक्सलवाद के कारण चर्चित नक्सलवाड़ी गांव किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के उत्तर क्षेत्र में जो आपका नेपाल का क्षेत्र है, सिक्किम है, आपके भूटान का क्षेत्र है, यहां पर स्थित इलाका है आपका नक्सल, नक्सलवाड़ी ये गांव है। और यहां पर 1967 में, 1967 के अंदर दो व्यक्ति कानू सानिया व चारू मजूमदार, इनके द्वारा सशस्त्र क्रांति का आगाज किया गया। ये लोग जो नक्सलवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं, ये माओत्से तुंग के विचारों से प्रभावित हैं। प्रतियोगी परीक्षा के अंदर इस तरह के प्रश्न है वो कई बार पूछे गए। माओत्से तुंग की विचारधारा से प्रभावित है। माओत्से तुंग का कहना है कि जो सत्ता है वो बंदूक की नली से निकलती है। इस विचार से प्रेरित होकर के भारत के सशस्त्र बलों के साथ 1967 से लगातार इनका संघर्ष चल रहा है। इनका ऐसा विश्वास है कि हम भारत के अंदर जो धनी लोग हैं और जो शासन है ये शोषण के प्रतीक है, और हम आगामी कुछ वर्षों में नेपाल के पशुपति से लेकर के आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक हमारी सत्ता काबिज करेंगे। जिस इलाके के अंदर हमारे देश में नक्सलवाद बेल्ट एरिया है उसे रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, रेड कॉरिडोर। हमारे देश में वेस्ट बंगाल, बिहार का क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा इस समस्या से प्रभावित है। भारत सरकार ने वर्तमान समय में इसके लिए एक योजना चला रखी समाधान, और पिछले 4-5 साल में भारत सरकार ने जो नक्सलवाद की जो समस्या उसके ऊपर नियंत्रण पाने में काफी कामयाबी भी हासिल की है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा पश्चिमी बंगाल, और ये एक गांव पड़ता है वेस्ट बंगाल में। अब आते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। आज का सबसे ज्यादा जो चर्चित मुद्दा है वह है आपके दिल्ली के चुनाव। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। आप सभी को ध्यान है कि दिल्ली के अंदर 2012 के अंदर जो एक नई राजनीतिक पार्टी बनी जिसने साफ सुथरी छवि के साथ, साफ सुथरी राजनीति के साथ शुरुआत की, उसने 2013 के अंदर जो चुनाव हुए, 2013 के अंदर जिस चुनाव में उसमें आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 70 जो सीटें हैं इन 70 सीटों में से इनको 26 सीट मिली। इसके बाद में यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में और अरविंद केजरीवाल शपथ लेते हैं और 49 दिन तक मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद में लोकपाल विधेयक के नाम के ऊपर इनकी सरकार गिर जाती है क्योंकि कांग्रेस के द्वारा इनको समर्थन दिया गया था। इसके बाद में 2015 के अंदर जब दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटों के साथ में भारी बहुमत मिलता है। इन पिछले 5 सालों के अंदर जो केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी है, उन्होंने दिल्ली में एक तो स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा, इनके ऊपर इन्होंने बेहतरीन काम किया। यद्यपि दिल्ली की सत्ता पे बीजेपी की जो आपकी सरकार है वो दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है, इस बीच केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में कई मुद्दों को लेकर के संघर्ष भी चलते रहे। आप सभी को ध्यान है कि जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है और राष्ट्रीय राजधानी के रूप में भी सूचीबद्ध है। इस वजह से 3 प्रमुख विषय हैं जो राज्य सूची के विषय हैं। एक है आपका पुलिस,
दूसरा है आपका कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, और तीसरा है आपका भूमि विवाद। ये जो तीन विषय हैं, ये वैसे राज्य सूची के विषय माने जाते हैं, लेकिन दिल्ली के संबंध में इन तीनों के ऊपर कानून बनाने की जो शक्ति दी गई है वो केंद्र सरकार को दी गई है। इसलिए इन मुद्दों को लेकर के दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच में कई जगह के ऊपर टकराव भी आया। इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी जो है उसने पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर बेहतरीन काम किया। उसके बाद में जो चुनाव हुए हैं 8 फरवरी को इन 70 सीटों के लिए मतदान हुआ, इसमें भी जो अब तक नतीजे आए हैं उसके तहत इनको 62 सीटों के ऊपर जीत मिली है और बाकी सीटों के ऊपर बीजेपी। अरविंद केजरीवाल है वो तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। केजरीवाल के संबंध में कुछ जानकारियां हमें रखनी चाहिए। केजरीवाल है वो राजनीति को ज्वाइन करने से पहले IRS के रूप में थे, IRS इंडियन रेवेन्यू जो सर्विस है उसके अंदर अधिकारी के रूप में थे। इन्होंने IIT खड़गपुर से IIT की है, इंजीनियरिंग की है, उसके बाद में IRS को ज्वाइन किया है। इसके बाद में अन्ना आंदोलन से जुड़े, अन्ना आंदोलन आप सभी को जानकारी है कि 2011 के अंदर जन लोकपाल को लेकर के अन्ना हजारे ने जो रालेगंज सिंधी में रहते हैं उनके द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। उनमें अरविंद केजरीवाल है, योगेंद्र यादव है, कुमार विश्वास है, प्रशांत भूषण है, ये प्रमुख चेहरे थे। किरण बेदी भी उनमें से थी जो अभी आजकल है वो पुदुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में काम कर रही है। इसके बाद में भारत की संसद से कुछ सांसदों ने इनको चुनौती दी थी कि अगर आपको कानून बनाने की इतनी पड़ी है तो आप सत्ता में आइए। और इसके बाद में 2012 में इनके द्वारा आम आदमी पार्टी का गठन किया जाता है। तब से लेकर के अब तक यद्यपि बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर पाई है, उसके बावजूद भी जो देश की राजधानी दिल्ली है वहां पर लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस संस्था का नाम बदल करके अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्था रखा गया है? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मैसूरी है जहां पर जो IAS होते हैं, IAS जो होते हैं इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, यह मैसूरी में स्थित है। भारतीय पुलिस अकादमी हैदराबाद जो IPS होते हैं, UPSC के थ्रू जो IPS बनते हैं, सरदार वल्लभ भाई भारतीय पुलिस अकादमी है जो हैदराबाद में स्थित है। तीसरा, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद, ये वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करती है। और इस संस्था का नाम कल बदल करके अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यह भी ध्यान रखना है। हाल ही के अंदर दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, जो ईडन गार्डन के बाद में दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है जिसका वर्तमान समय में इस्तेमाल किया जा रहा है, उस स्टेडियम का नाम बदल करके भी अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। तो अच्छा प्रश्न बनता है, एक तो आपका राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का जिसके नाम के साथ में अरुण जेटली जोड़ा गया है। आप सभी को जानकारी है कि पिछले वर्ष और हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का निधन हो गया था और इसके बाद में भारत सरकार ने इन एक स्टेडियम का नाम अरुण जेटली के नाम पर किया और इसके साथ साथ में आपका जो ये राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है फरीदाबाद हरियाणा में है जो रेवेन्यू से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करता है, इसका नाम भी और अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रखा गया है। भारत का पहला दिशा पुलिस थाना किस राज्य में स्थापित किया गया है? नाम है दिशा पुलिस थाना। तो पहले तो आपको यह देखना है कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहां पर एक दिशा एक्ट पास हुआ है। दिशा एक उस लड़की का काल्पनिक नाम है जिसकी बलात्कार के बाद में दरिंदों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर एक आंदोलन चला और वहां की सरकार ने
अपने विधानसभा के अंदर दिशा एक्ट पास करवाया। इस एक्ट के तहत अगर किसी लड़के की ज्यादती की वजह से मौत होती है या किसी बच्चे के साथ में ज्यादती होती है तो जो दोषी है उसे 21 दिन के अंदर अंदर उसे सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश ने पुलिस थाना स्थापित किया है। जो पुलिस थाना स्थापित किया है वो क्या है, राजमुंद्री में। जो राजमुंद्री है इस जिले के अंदर ये दिशा पुलिस थाना स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इस पुलिस थाने के साथ में ही लेबोरेटरी स्थापित की गई है, यदि किसी भी प्रकार की कोई फॉरेंसिक जांच की जरूरत होगी तो वो 24 घंटे खुलने वाली लैब यहां पर स्थापित की गई है। 24 घंटे पुलिस कंट्रोल रूम यहां पर काम करेगा और अदालतें हैं वो भी 21 दिन के अंदर अंदर जो आरोपी है जो दोषी व्यक्ति है उसे सजा देने का काम करेंगे। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है, वर्तमान समय में देश भर में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर दक्षिण भारत के इस प्रायद्वीप राज्य के द्वारा इस प्रकार का एक कानून बनाना और उसके बाद में पुलिस थाना स्थापित करना अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना, यहां पर दे रखा है यन्नम। यन्नम जो जगह है ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। आप सभी को यह भी जानकारी रखनी चाहिए कि जो पुदुचेरी है यह तीन राज्यों में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक आपका पुदुचेरी जो आपके तमिलनाडु भूभाग में आता है, एक आता करिकाल जो करिकाल है ये भी आपके तमिलनाडु में आता है, इसके बाद में एक जगह की माहे, जो माहे जो जगह है वो आपकी केरल में पड़ती है और जो यन्नम है ये जगह आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। जब यहां पर आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश के इसरो के द्वारा जो उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं श्रीहरिकोटा, वो भी आपका यहां पर चेन्नई से 100 किलोमीटर की दूरी पर, यहां पर जिला पड़ता नेलूर, नेलूर नेलूर जिले के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है। किस राज्य सरकार ने सीएफएल और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका केरल। देखिए सीएफएल उससे एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है एलईडी, जो आपके फिलामेंट बल्ब है इससे एडवांस टेक्नोलॉजी सीएफएल है और सीएफएल से भी एडवांस टेक्नोलॉजी एलईडी है। एलईडी है वो ऊर्जा है वो कम खर्च करती है और आपको प्रकाश से वो ज्यादा देती है। आप जो केरल राज्य है, केरल राज्य ने एक नियम बनाया है कि हम 2020 में पूरे के पूरे केरल राज्य के अंदर सभी के सभी जो फिलामेंट बल्ब है और जो सीएफएल है उन्हें बदल देंगे। किन के द्वारा, एलईडी बल्ब के द्वारा। केरल सरकार का ऐसा मानना है कि इससे हमारे राज्य में एक तो नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उन्हें बढ़ावा मिलेगा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और वहां पर पल विद्युत परियोजना की भी अपार संभावना। इसके अलावा जो सीएफएल है और फिलामेंट जो बल्ब है इनके अंदर पारा यूज होता है, पारा, ये जो पारा है ये बल्ब के फ्यूज होने के बाद में जब इसे यूज खुले वातावरण के अंदर जब इसे छोड़ देते हो तो ये एक प्रदूषक के रूप में काम करता है, इसलिए एक इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग भी और केंद्र सरकार ने एक बेहतरीन निर्णय लिया है। संसद में या किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, इसका उल्लेख है। इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 105 है। आप सभी को जानकारी है कि लोकसभा राज्यसभा यहां पर बहस के दरमियान संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, संसदीय भाषा का। अब ये बड़ा ही जटिल काम है कि संसदीय भाषा क्या है, यानी वो शब्द जो मर्यादित है और जिन शब्दों से किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति आहत, भावनाएं आहत नहीं होती है, किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल द टारगेट नहीं किया जाता है, इस तरह के शब्दों के माध्यम से आप तार्किक रूप से विपक्ष की और सरकार की नीतियों की आप आलोचना कर सकते हो।
लेकिन संसद में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपके 70 के दशक के अंदर भारत की संसद ने एक इस प्रकार की लिस्ट भी बनाई है जिनमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, जैसे दुष्ट शब्द है, जैसे चोर शब्द है, जैसे लफंगा शब्द है, जैसे आतंकी शब्द है। इस तरह के शब्दों को और संसद में इस्तेमाल नहीं किया जाता किसी व्यक्ति के लिए और किसी दूसरे और संसद के लिए। ऐसे शब्दों को और असंसदीय शब्द माना गया है। यह सब कुछ आपके लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति पर डिपेंड करता है। हाल ही के अंदर राज्यसभा ने अपने प्रधानमंत्री की शब्दावली को हटाया था उसकी संसदीय प्रक्रिया में से, इसलिए यह शब्द पुनः चर्चा में आ गया और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेष अधिकार है। उस विशेष अधिकार में एक बात यह भी आती है कि लोकसभा में या राज्यसभा में अगर किसी सांसद के द्वारा किसी भी प्रकार की जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, किसी भी प्रकार के जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी पर भी किसी भी प्रकार की जो टीका टिप्पणी की जाती है, इसके आधार पर कहीं पर भी कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उन शब्दों को संसद की प्रक्रिया से और उससे आपकी जो कार्रवाई चल रही होती है उसमें से उन शब्दों को हटा दिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व प्रथम महिला श्रीमती मेलानिया ट्रंप 24-25 फरवरी 2020 को भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। भारत की यात्रा करने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति। यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आज अमेरिका है वो दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्र माना जाता है निर्विवाद रूप से। 90 के दशक तक अमेरिका और रूस दो ध्रुव थे, दो ताकतें थी, लेकिन रूस के विभाजन के बाद में पूरी दुनिया निर्विवाद रूप से इस बात को मानती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है वो आपका अमेरिका है। अमेरिका के साथ में पिछले 15-20 साल से भारत के जो संबंध है वो काफी पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं। आप सभी को जानकारी है कि पिछले वर्ष ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वहां पर अमेरिका के अंदर ह्यूस्टन के अंदर हाउडी मोदी प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसके अंदर 70,000 से ज्यादा भारतीय लोग उस प्रोग्राम में शामिल हुए और हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उसके साक्षी रहे थे। अमेरिका की राजनीति को भारत के जो प्रवासी लोग हैं वो प्रभावित करने लगे हैं और 2020 में अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय जो प्रवासी जो वहां पर बसे हुए हैं उनसे और अपने राजनीतिक पार्टी के लिए मत प्राप्त करने के मकसद से इनका ये विजिट बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि हमारे देश के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है और अमेरिका के अंदर है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है वो पावरफुल होती है, वहीं पर जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहां पर राष्ट्रपति है वो पावरफुल होता है। हमारे यहां पर राष्ट्रपति नाममात्र की सरकार होती है, संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद होता है, जबकि अमेरिका के अंदर है वो राष्ट्रपति प्रमुख होता है। यहां पर यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहां पर प्रधानमंत्री लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है सरकार, जो वास्तविक सरकार होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति लोकप्रिय सदन यानी अमेरिका में जो लोकप्रिय सदन है वह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसके प्रति उसका किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। यह अंतर भी ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे देश के अंदर आने वाले पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वह आइजनहोवर। उन्होंने 1959 के अंदर भारत की यात्रा की थी। आपको ध्यान है उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। 15वीं विधानसभा में राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायकों की संख्या, यह जो प्रश्न है यह राजस्थान विधानसभा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें कुल विधायकों की संख्या
200 है। राजस्थान में जो सांसद है लोकसभा के उनकी संख्या 25 है। राजस्थान में राज्यसभा के सांसदों की संख्या 10 है। इन 200 में, इन 200 के अंदर वर्तमान समय में आज जब हम 2020 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों की संख्या 107 है। जिस समय चुनाव हुए थे उस समय पर कांग्रेस के विधायकों की जो संख्या थी वो 99 थी। इसके बाद में दो जगह के ऊपर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में मंडावा की जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में आई। इसके बाद में जो बसपा के 7 विधायक थे उन्होंने भी और कांग्रेस के अंदर अपना विलय कर लिया। इसके बाद में कांग्रेस विधायकों की जो संख्या है राजस्थान में वो 107 हो गई है। राजस्थान की विधानसभा पर ये अपडेट आप देख सकते हो। अब आया है आज का प्रश्न जो आपके लिए है, आप इसे पढ़िए और इसके बाद में कल मैं इसके ऊपर विस्तार से बात करूंगा। निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ 3 देशों की सीमा लगती है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और असम। कल हम इस पर विस्तार से बात करेंगे और एक और नए सेशन के साथ में हम फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।